अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल वाली क्रिकेट शो। इंडिया पाकिस्तान की जो ट्रेड बंद है ना, ये इमरान से बहुत नुकसान हो रहा है। और एक नुकसान ये भी हुआ है कि देखिए, हमारे पास एक टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, वहां हमसे नहीं खरीदा गया, वो टैलेंट ऑस्ट्रेलिया से खरीदा गया 25 करोड़ में, उसको दे दिए गए। देखिए इतना महंगा सौदा, यहां से अगर आप हारिस राव को ले लेते, 1-2 करोड़ में ले लेते, तो ये जो काम मिचेल स्टार्क वहां में 25 करोड़ लेके करे, वो तो हारिस राव आपको 50 लाख में करके देते थे। देखिए 100 रन अगर खाने हैं बगैर विकेट लिए और इसके लिए 25 करोड़ पे करना है, तो हमारे हारिस राव क्या बुरे थे? हमारे पास पैसा आता आपको बुरा लगता था? मैं कहता हूँ कमाल हो जाती, पाकिस्तानी प्लेयर रिप्रेजेंट हो जाता आईपीएल में। क्या कमाल की वैसे बॉलिंग हो रही है मिचेल स्टार्क की तरफ से, कह लें कि आप इतना अजीबो गरीब परफॉर्मेंस, उसको बेचारे को हुआ शायद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो उसके साथ हुआ क्या, पैसों का प्रेशर है क्या, प्रेशर है क्या? देखिए पैसों के ऊपर जब सोएगा ना बंदा, जब पैसे के बिस्तर के ऊपर सोएगा तो फिर परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। मेरा ख्याल है वो आम बिस्तर में सो नहीं रहा, उसको शायद नींद उसकी पूरी नहीं हो रही, वो सोच रहा है कि मैंने इन पैसों के साथ करना क्या है। सुबह उठ के मैंने करना क्या, मैं इतना पैसा आ गया जिंदगी में, मैंने इतना पैसा देख लिया, अब मैंने इसका करना क्या? तो इस चक्कर में उससे बॉलिंग नहीं हो रही, और बॉलिंग जिसके लिए उसको पैसा दिया गया था, वो भी पैसा देने वाले सोच रहे होंगे शाहरुख खान ये हो क्या गया। शाहरुख खान शायद अपनी फिल्मों में बिजी होंगे, शूटिंग में बिजी होंगे, अगर वो इसके स्टैट देख लें और वो कहते हैं कि यार 24 स्कोर में हमने ये काम किया, 24 स्कोर मेरा बर्बाद हो गया, तो वो कह रहे होंगे यार इससे अच्छी। देखिए 55 साल की उम्र में शाहरुख खान ने इस उम्र में जाकर ढुंके लगा के, पता नहीं मेकअप करा के, अब जिस तरह की उनकी एज हो गई अभी तक वो यंग नजर आते हैं, वो इसलिए पैसा बर्बाद करेंगे कि जा मेरे बेटे 25 लाख रुपए ले जा और 25 करोड़ ले जा और जाके छक्के खा और आउट कोई ना करी, इसलिए उन्होंने आपको 25 करोड़ दिया था। शाहरुख खान ने देखिए अपनी जिंदगी जो है, जिंदगी भर की कमाई ऑलमोस्ट काफी उसका बड़ा हिस्सा एक मिचेल स्टार्क के नाम किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने आगे से जो किया है, अगर मेरे से मानी को ऐसा करे, मैं तो उसको उल्टा लिटाऊं और फिर छत्तर पकड़ू और फिर उसको मारता जाऊं पूरी रात, बोलूं कि हां जी तेरी बॉलिंग किधर गई, तेरी मेरा पैसा वापस कर, मेरा पैसा वापस कर। मिचेल स्टार्क ने ना इंडिया के साथ कर दिया गेम। मिचेल स्टार्क हमेशा हर 5 साल बाद आईपीएल खेलता है एक सीजन, अब वो एक सीजन लगा लिया उसने, अब एक सीजन के बाद वो फिर छुट्टी करेगा, अगले साल नहीं खेलेगा आईपीएल, और ये पैसे एंजॉय करेगा और जब तक वो और मजीद परफॉर्मेंस देगा करवा के फिर एक बार फिर महंगा बिक जाएगा। भाई जितना पैसा उसने ले लिया उसकी तो 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, ये 7 पुश्ते उसकी बैठ, उसको क्या जरूरत है 2000 साल, उसने तो धोखा दे दिया। देखिए क्या होता है ना, अब हमारे यहाँ पे रेडियो में, अगर इंडिया में भी रेडियो में फल दिखता है तो दिखाते हैं ऊपर से वो साफ नजर आ रहा है, पीछे वो सारा दागी होता है। उसने अपना वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दिखाई है कि यार देखो मैंने वर्ल्ड कप में क्या किया था, और लेकिन जब उसको टर्न किया आईपीएल की तरफ तो पीछे सारा दागी निकला है, वो सारा का सारा खराब निकला है, अब उसको फेंक के क्या करे, पैसा तो उसने दे दिया हुआ है, अब आधा कार्ड भी खाना पड़ेगा, अब वो ये कुछ तो कुछ तो करना पड़ेगा, पैसा जाया हो गया यहाँ पर, खत्म होगी कहानी। एक विकेट तो ले लेता, एक विकेट हारिस राव कम से कम एक विकेट तो ले लिया था, स्कोर का के एक विकेट नहीं ले पा रहा, 2 मैच हो गए यार, बड़ा नाम सबसे महंगा 25 करोड़ वाला प्लेयर, ये होता है कि 10 करोड़ वाला होता तो समझ आती है, सैन तुरंत पिछले साल उसने तो कम से कम 4-5 विकेट तो ले ली थी ना, हम तो इतने पैसे दे सकते प्लेयर को, यार अक्ल भी तो इस्तेमाल करे ना, इतने पैसे दे तो दिए लेकिन आपको देखे वर्थ वाला उतने वर्थ का प्लेयर है भी नहीं। आप कहते हो आपने शायद मेरे पास तुम हो का डायलॉग आपने सुनो, आपने इंडियन फैन से शायद देखो, क्योंकि इंडिया में काफी मशहूर ड्रामा हुआ था कि यार दिखने में तो बड़े अच्छे सुधागर लगते हो लेकिन यहाँ भाव करते हुए आप गलती कर बैठे, तो आप जरा क्लिप निकाल के वो देखिएगा, तो यहाँ पर केकेआर गलती कर बैठा है और यहाँ पर उनसे अच्छा सौदा नहीं हुआ, इन्होंने एक कहते हो कि मीडियोकर किस्म का अच्छा, केकेआर की जो फूफो है वो कैसे बर्दाश्त करके बैठी गई मिचेल स्टार्क को, मैं बात कर रहा हूँ गौतम गंभीर की, क्योंकि आपको पता है कि जब गौतम गंभीर ऐसा ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं अपनी टीम के अराउंड तो वो तो बहुत उछलते हैं कुदलते हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं मिचेल स्टार्क ये अभी तो टीम का हिस्सा है, ये ऐसी चीज है, ये फूफो जो है ना फूफो, ये जब मिचेल स्टार्क बाहर चलेगा ना ये किसी चैनल में बैठेंगे फिर कहेंगे अपने प्लेयर्स को पैसे देते नहीं है, फिर ये बातें तब निकलेंगी, फूफो तब उबलेगी बातें और ये फूफो लड़ेगी झगड़ेगी एंकरों के साथ, पर वहां पर बातें जरूर करेगी, फिर आपको सही उसको फूफो का असली रूप नजर आएगा कि यार अपने प्लेयर को पैसा दिया करो, बाहर से एक प्लेयर आए इतने पैसे लेके चला गया आपकी तरफ से उसने कुछ नहीं किया, ये बातें जरूर करेगी फूफो, अंदर से बैठी होगी और ये सोच जरूर होगी। और ना सीरियस नोट अगर मैं थोड़ी बात करूं तो देखिए बातें चल रही थी आईपीएल से पहले जब खरीदा गया था मिचेल स्टार्क को कि बुमराह को पैसे दो, बुमराह को 12 करोड़ क्यों दिया, बिल्कुल देना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस देखें यार, 12 करोड़ में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं आधे पैसों में डबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये अपने प्लेयर्स की कदर करें, इससे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन यार
अकलमंदी से पैसा दिया करें। देखिए ठीक है पैसा है टीम के पास, उनके जो जो उनका जो क्या बोलते पर्स है, पर्स उसके अंदर अच्छा पैसा होता है, लेकिन पैसा उड़ाना तो नहीं होता ना। लेकिन ये तो केकेआर ने उड़ाया ही पैसा। अब मेरा ख्याल शाहरुख खान को 3-4 फिल्में अपनी कैरियर में ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उन्होंने रिटायरमेंट लेनी थी ना, अब उनको बाप का रोल भी करना पड़ेगा, शायद दादा का रोल किसी का करना, पैसा पूरा करने के लिए दादा का रोल भी करना पड़ेगा। तो अब उनको मेहनत जिंदगी की ना 25 करोड़ जो दे दिया ना उसको ज्यादा करनी पड़ेगी। एक चीज अच्छी हो रही है, एक चीज शायद मिस्टर स्टार्क के लिए अच्छी हो रही है, केकेआर मैच जीत रही है, अपने दोनों मैच जीत गई केकेआर। तो इससे ये हो सकता है कि शायद उनको थोड़ा आसरा हो जाएगा, यार चलो मैच जीत रहे हैं ना, तू खेल शायद किसी मैच में चल जा, यही हमें एक उम्मीद है। उनके पैसे हलाल तो करने हैं ना, कोई उम्मीद तो दिलवानी ना यार, यार यही हो सकता है। नहीं वो अब पैसे पूरे कराने के लिए कराएंगे उसको, अब आप उसको कहेंगे यार तू खेल, तू इंजर्ड हो, तू बेशक बाहर हो, तू खेलेगा पूरे मैच, पैसे पूरे करेगा। तेरी एक बॉल हमने कराया था कि तेरी एक बॉल जो है ना 8 लाख रुपए की है, तेरी एक बॉल कराना 7 लाख की है, अब तू मेरे 24 की 24 बोले करेगा। मिचेल स्टार्क ना बहुत शातिर आदमी है, ये अपने जो असल स्किल है ना वो दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, वो कह रहे यार T20 वर्ल्ड कप के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी नहीं पता वहां पर क्या हो, वहां पर T20 वर्ल्ड कप में यही मिचेल स्टार्क इंडिया को लेके बैठ जाए और इंडिया की विकेट उड़ा के बैठ जाए, फिर ये इंडिया वाले क्या कह रहे हैं, फिर तो इनके साथ कह रहे हो कि बहुत बुरी हो जाएगी ना, 25 करोड़ भी ले गया, हमारे आईपीएल में पिट गया और हमें ही पड़ गया, जिस वर्ल्ड कप फाइनल में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये वाकई आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा ये चीज वाकई है, इनमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर में जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं ना, तो ये वाकई वो प्लेयर नहीं लगते जो आईपीएल में भी लग रहे हैं, आईपीएल में तो बड़े ऑर्डिनरी से लग रहे हैं, लेकिन जब इंडिया की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये प्लेयर खेलते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब डेविड वॉर्नर इतना बड़ा नाम है, इतना उनका पैसा है, आईपीएल भी खेल सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं, क्रिकेट से रिटायर भी होंगे बोर्ड के, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया मुझे बुलाएगा तो मैं जयपुर शमी खेलने के लिए राजी हूँ, अपनी टीम के लिए लॉयल, इतनी ज्यादा लॉयल्टी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये बड़ी बात है। पाकिस्तान इंडिया के अंदर इतनी लॉयल्टी नहीं देखने को मिलती, तो यही ऑस्ट्रेलिया को 5 बार चैंपियन बना चुका है, लेकिन चैंपियन टीम का चैंपियन खिलाड़ी आरसीबी की सॉरी केकेआर की तरफ से नहीं खेल पा रहे हैं और नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि इनका दिल नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, अंदर से ही इनका दिल आईपीएल के लिए नहीं धड़कता। ऐसे ही है, वो कहते हैं ना कि किसके किस बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो पूरा वो गांव जला देते हैं, तो यही हिसाब कर दिया है केकेआर की टीम का, पैसा बहुत था, उन्होंने पैसा अन्ने वा फेंक दिया, अब वो सोच रहे हैं कि हमने किया क्या है, अब तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करेंगे। सुनील नारायण में जो उन्होंने पैसा फेंका है, बड़ा जबरदस्त पैसा फेंका है, सुनील नारायण बॉलिंग भी करवा रहे हैं और ठीक ठाक बॉलिंग करवा रहे हैं और साथ तो बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा ये आपको पता है कि पहले बॉलर होते थे सुनील नारायण, अब एकदम से बैट्समैन बने, और क्या जबरदस्त ये आईपीएल में ओपनिंग करते हैं, और आईपीएल की वजह से ही ये दुनिया में भी और काफी अर्से इंडिया ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से तो खेलते ही नहीं है, सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं, और काफी अर्से से फ्रेंचाइज केकेआर की फ्रेंचाइज से पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह जहां पर भी केकेआर की फ्रेंचाइज है वहां पर क्रिकेट खेलते हैं, सीपीएल में भी इसी लीग की तरफ इसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हैं, तो ये बड़ी अच्छी फाइंड है कि कम पैसों वाले जो प्लेयर है ना आईपीएल में ज्यादा चल रहे हैं, नए नए नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि फिटनेस मैटर नहीं करती, मोटा पेट बाहर निकला हो, बेचक जो मर्जी हो, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बेशक आप फिट हो, लंबे टॉल हो, 25 करोड़ के प्लेयर हो, अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा, अगर आजम खान चल सकते हैं तो फिर तो ये मोटा कुछ भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं नारायण, देखिए आप ये चीजें सारी की सारी जब बात होती थी ना कि फिटनेस मैटर करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, ये चीजें तो आईपीएल क्रिकेट में या लीग क्रिकेट में खत्म होकर रहेगी ना, ना फिटनेस रिक्वायर्ड है, ना आगे पैसे ज्यादा के फैंस और शाहरुख खान के फैन बता दें कि उनके पैसों का क्या करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई मिचेल स्टार्क चलेंगे या नहीं चलेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।